दोस्तों बात करने वाले हैं IRFC के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। देखिए दोस्तों कंपनी का रिजल्ट नहीं आया अभी तक एंड ये हमारा प्रेडिक्शन वीडियो रहेगा एंड इसमें हम देखने वाले कि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे रहने वाले, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमारे सामने 3 साल का डाटा रहेगा एंड अभी के टाइम जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इरकॉन के आरएनएल के रिजल्ट हमें बेटर देखने को नहीं मिले। जिस प्रकार मार्केट एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे जो IRFC इसमें क्या चीज़ें नजर आएगी, क्या IRFC अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे पाएगा या IRFC भी उन्हीं की तरह हमें वोलेटिलिटी के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आज अगर अभी के टाइम बता दूं मैं, जो फ्राइडे को अपडेट आया था कि गवर्नमेंट ने भाई ऑलराउंड जो यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपये के 8 बड़े प्रोजेक्ट है उनकी अनाउंसमेंट करी है, उनकी ये तेजी अभी के टाइम हमें नजर आ रही है। एंड यहाँ पे दोस्तों कंपनी 22 अगस्त को रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय करी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 22 अगस्त तक शेयर रखते हो तो आपको एक अच्छा डिविडेंड ऑलमोस्ट 70 पैसे प्रति इक्विटी शेयर यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी पे करने वाली है। तो यहाँ से दोस्तों अभी के टाइम अगर डाटा देखें तो पिछले 6 मंथ में IRFC में कोई भी बड़ा रिटर्न हमें बनते हुए देखने को नहीं मिला है। IRFC नॉर्मली देखें तो भाई एक लंबा समय हमें कंसोलिडेट में देखने को मिला है, चाहे बजट हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे एग्जिट फॉलो, IRFC नॉर्मली उस लेवल मतलब उस टाइम से ही हमें यहाँ पे एक रेंज में ही यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक में देखो कोई बड़ी वॉल्यूम नहीं आई, यहाँ से थोड़ा बहुत भाई ऊपर जाने की कोशिश की थी स्टॉक ने 175 के लेवल से 230 रुपये तक के हाई लगाया था, वहाँ पे आप देख लो फिर नॉर्मल स्टॉक फिर गिरता हुआ नजर आया। एंड अभी के टाइम दोस्तों रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि रिजल्ट अगर बेटर आता है तो सबसे मेन चीज हमारे लिए रहेगा स्टॉक का पी रेशियो, क्योंकि अभी के टाइम 37 का ये पी है। अगर रिजल्ट बेटर आता है तो ये पी हमें गिरता हुआ नजर आएगा, स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। तो यहाँ से रिटर्न ऑन इक्विटी ROC देखें तो भाई कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिजल्ट कंपनी के बेटर आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले अगर आप देखो कि 3 साल में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि आपको मार्च टू जून का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, फिर मार्च टू जून का है, फिर यहाँ पे मार्च टू जून का, एंड यहाँ पे ये मार्च से आने वाला जून का रहने वाला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए ईयर टू ईयर का कंपैरिजन हो गया, फिर यहाँ पे ये ईयर टू ईयर का कंपैरिजन हो गया, ऑलमोस्ट 21 का 22 का 23 का रिजल्ट हमारे सामने, एंड जो आएगा ये क्वार्टर वन 24 का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों 21 से 21 को कंपेयर करें, मतलब क्वार्टर क्वार्टर 2021 के रिजल्ट को कंपेयर करें, तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स हमें बढ़ती हुई नजर आई थी, 4455 करोड़ से 4582 करोड़ की सेल्स हो चुकी थी। एंड इसी के साथ अगर हम जून 2021 से जून 2022 को कंपेयर करें, मतलब क्वार्टर वन से क्वार्टर वन कंपेयर करें 21-22 में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की सेल्स 4582 करोड़ हो गई थी, बढ़ के ये इस क्वार्टर में भाई जून के अंदर 5627 करोड़ की हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि 2021 के मुकाबले 22 के अंदर हमें ईयर टू ईयर सेल्स कंपनी की बढ़ते हुए नजर आई थी, क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़ी थी। तो 21-22 के जो रिजल्ट थे, 21 का रिजल्ट वो भी बेटर था, 22 का जो रिजल्ट है वो भी बेटर था। बट अगर हम देखें यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर 22 के अंदर, तो भाई क्वार्टर क्वार्टर सेल्स हमें हल्की सी गिरते हुए नजर आई, कितना हुआ 5932 करोड़ की सेल्स, भाई 5627 करोड़ हो गई, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास हमें सेल्स यहाँ पे गिरती हुई नजर आई थी। तो कि यहाँ पे 2021 में क्वार्टर क्वार्टर तो रिजल्ट नेगेटिव रहा था, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट हमें बेटर देखने को मिला था। ये रही किसकी बात, 22 की बात। अब हम देखते हैं 22 से 23, क्योंकि 23 में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो 23 का अगर आंकड़ा उठा के देखें दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्च के मुकाबले जून में कंपनी की सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए, ऑलमोस्ट 6194 करोड़ से 6669 करोड़ कंपनी की सेल्स होगी, ठीक है। अब इसी को अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो यहाँ पे जून तो देखोगे जून तो 5627 से बढ़ के 6669 हो गए। तो यहाँ पे क्या चीज़ें नजर आ रही कि 2021 में अगर हम देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ी, 22 में देखें तो ईयर ऑन ईयर बढ़ी बट क्वार्टर क्वार्टर घटी, फिर हम 23 में देखें तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी एंड क्वार्टर क्वार्टर भी हमें बढ़ते हुए नजर आए। अब जो भाई आपका 23 में बेटर रिजल्ट था, अब 24 का अगर हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करें कि 24 में कंपनी की सेल्स कितनी रह सकती है, तो यहाँ से आप देखोगे 6767 करोड़ की रही, 6767 करोड़ की रही। तो इस क्वार्टर में आशा है कि भाई सेल्स हमारी 6500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच के आसपास की हमें सेल्स देखने को मिल जाए, कितनी 6500 से लेकर 7020 की कंपनी की सेल्स देखने को मिले, ये हमारा मार्केट का अनुमान है कि इस बार सेल्स ऐसी रहने वाली है। एंड भाई अगर देखा जाए पिछले 2 क्वार्टर में 99% के प्रॉफिट है, इस क्वार्टर में आशा है कि 100% के हमें प्रॉफिट देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो भाई आपके प्रॉफिट के अंदर आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट भाई हमें ईयर टू ईयर 1557 करोड़ से भी जंप आता हुआ नजर आएगा अगर सेल्स बढ़ी तो, एंड क्वार्टर क्वार्टर से भी हमें सेल्स जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जंप देता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑलमोस्ट अगर कहीं तो दोस्तों 1800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के बीच हमें कंपनी का इस क्वार्टर प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, 1800 से 2000 करोड़ के बीच का ये मार्केट की प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेन चीज़ बता दूँ आपको कि अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो रिजर्व है ना भाई, कंटिन्यू रिजर्व हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी के टाइम अगर आप देखोगे रिजर्व है कंपनी के पास 36,110 करोड़ का, जो कि हर क्वार्टर बढ़ रहा है, एंड वही कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, 4,12,000 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है, जो कि कंपनी बैंकों से लेके जो यहाँ पे कंपनी भाई सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लोन दिलाती है, मान के चलो ए बैंक हो गया, बी ए हो गई, सी यहाँ पे कौन हो गया जो कंपनी लोन लेती है, तो ये ए बी ऐसे दिला के इसको लोन यहाँ से दिलवा देता है, मतलब जो बी है हमारी कंपनी एंड ए से लोन दिलवा के सी को ये लोन प्रोवाइड करवाती है बिजनेस के लिए। तो ये हमारा अभी के टाइम रिजल्ट का प्रेडिक्शन है। एंड भाई हमने देखा कि जो यहाँ पे मार्च के मुकाबले अगर जून में आप देखोगे प्रमोटर की कोई चेंजेस नहीं है, FI ने माल खरीदा है, DI ने भी भाई माल खरीदा है, पब्लिक का माल यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया। तो मेरे हिसाब से इसमें देखो जो पिछले 6 महीने में कहीं बड़ा कंसोलिडेट देखने को मिला है, जल्दी हमें ये कंसोलिडेट जो जोन है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा एंड यहाँ से एक अच्छी रैली हमें आती भी नजर आ सके। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट से पहले एक मौका है एंड यहाँ पे जल्दी स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब बॉटम पे, बॉटम से हमेशा रिवर्सल दिखने वाला है।
है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड भाई जो रिजल्ट है हमें ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने के बाद कभी भी आ सकता है, ज्यादातर कंपनी के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आते हैं, तो इसका भी मार्केट क्लोज होने के आसपास ही हमें देखने को मिल सकता है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।